हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए और ये इसका सेट 15 है फ्रेंड्स तो इसके जो पुराने वाले सेट हैं चैनल में अपलोडेड हैं तो उनको अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उनको भी ज़रूर देखें क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सब यहाँ पर कवर किया है और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में आपके लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है ठीक है तो चलिए बिना देर के आप अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है ढालो इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ़ द इंडियन स्टेट तो ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है तो आपको बताना है यहाँ पर कि ढालो फोक डांस है किस इंडियन स्टेट का तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा तो गोवा का फोक डांस होता है ढालो ठीक है बात करते हैं इसके बारे में देखिए ढालो इज़ अ पॉपुलर रिचुअल फोक डांस फ्रॉम गोवा इंडिया द डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन एंड सर्व्स एज अ प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देयर हाउस होल्ड द सॉन्ग टू विच द डांस इज़ परफॉर्म्ड आर यूजअली संग इन कोनकानी लैंग्वेज और मराठी तो ढालो जो है एक फोक डांस है कहाँ का गोवा का और देखिए इसको डांस करने के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसको स्पेशली जो है कौन या फिर मराठी लैंग्वेज में ही गाए जाते हैं तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द लोमास ऋषि केव विच इज़ मैन मेड केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोमास ऋषि केव जो है जो एक मानव निर्मित गुफा है किस राज्य में स्थित है तो लोमास ऋषि केव प्रेजेंट है बिहार में तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मौर्य रॉक कट आर्किटेक्चर एंड बार्बल केव्स दे बिलोंग टू आजीविका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म तो बुद्धिज़्म की जो आजीविका सेक्ट थी उससे बिलोंग करता है ये लोमास ऋषि केव फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हेरो है। ग्रोथ मॉडल इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विच फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन दिस मॉडल तो हैरो डोमार विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है तो फ्रेंड्स देखिए जो फाइव ईयर प्लान इस पर आधारित है ये हो जाएगी हमारी फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो थी ये बेस्ड थी ऑन हेरोडोम मॉडल तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी फाइव ईयर प्लान को उसके बाद हम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को डिटेल में समझेंगे देखिए सेकेंड फाइव ईयर प्लान स्ट्रेस करती थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ठीक है इसके साथ बात करें तो इसे महालनबिस मॉडल भी कहा जाता है राइट तो महालनबिस मॉडल अगर आपसे पूछा जाए तो इसे हम सेकेंड फाइव ईयर प्लान को ही कहते हैं फ्रेंड्स बात करें थर्ड फाइव ईयर प्लान की तो यहाँ पर पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत इलेक्शन किस फाइव ईयर प्लान से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं तो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान से इम्प्लीमेंट हुए हैं इसके बाद यहाँ पर इसका फोकस था प्रोडक्शन ऑफ वीट के ऊपर ठीक है प्रोडक्शन ऑफ वीर के ऊपर फोकस किया गया था इन द थर्ड फाइव ईयर प्लान बात करें हम फोर्थ फाइव ईयर प्लान की यहाँ पर तो देखिए फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो था इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी तो ये थी इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान इसके साथ इसे गडगिल मॉडल भी कहा जाता है ओके और फोर्टीन बैंक्स का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया था ड्यूरिंग फोर्थ फाइव ईयर प्लान तो ये हो गए सारे ऑप्शन अब बात करेंगे हम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की तो देखिए फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन नाइनटीन फिफ्टी वन तो नाइन्टीन फिफ्टी वन में फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था इसका प्राइमरी फ़ोकस क्या था इसका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर था तो ये किस पीरियड के लिए फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान दिया गया था नाइनटीन फ़िफ्टी वन से लेकर के फिफ़्टी सिक्स के लिए ये दिया गया था बात करें इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो इंडिया के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को इन द पार्लियामेंट इसके साथ बात करें इट मेनली एड्रेस्ड द अग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन तो यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान जो है ये दिया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर उससे जुड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट जैसे डैम्स हो गए इरीगेशन हो गया इसके ऊपर ध्यान दिया गया था फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान में और इसी टाइम पर भाकरा नंगल डैम जो है इसको बनाने की बात भी की गई थी इसके बाद देखिए बाय द एंड ऑफ 1956 फाइव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ व स्टैब्लिश्ड तो जो आई आई टीज़ है ना उसको भी इस्टैब्लिश किया गया था अंडर फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखिए द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम कोर इज पृथ्वी की वह परत जो भूपर्टी को कोर से अलग करती है वह क्या है तो देखिए फ्रेंड्स जो अर्थ होते हैं इसके ऐसे लेयर होते हैं देखिए कौन कौन से लेयर यहाँ पे इनर कोर होता है फिर आउटर कोर होता है इसके बाद मेंटल होता है और साथ में फिर लास्ट में होता है क्रस्ट राइट right? तो देखिए क्रस्ट को कोर से अलग कौन कर रहा है ये है कोर और यह है क्रस्ट तो इसको अलग करने का काम है मेंटल का तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात करते हैं मेंटल के बारे में हम यहाँ पे देखिए अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स नेमली क्रस्ट मैंटल आउटर कोर एंड इनर कोर जैसे अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाया तो मैंटल इज़ द वाइडेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स तो सबसे चौड़ा जो होता है ना इनमें से कौन सा होता है ये होता है मैंटल विच इज़ एट हंड्रेड माइल्स थिक इट इज़ कंपोज ऑफ मोस्टली सिलिकेट रॉक्स रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन तो मैंटल लेयर में जो सॉइल होता है वो रिच होता है इन सिलिकेट और मैग्नीशियम आयरन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड डायरेक्ट फ्री किक इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो देखिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता है इन द गेम ऑफ फुटबॉल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बात कर लेते हैं डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फुटबॉल तो देखिए यहाँ पे पेनाल्टी किक गोल हेड साइड बैक पास बेस लाइन रीबाउंड कॉमरबिक राइट आउट है ट्रिक मूव ड्रिबल लेफ्ट आउट ऑफ साइड स्टॉपर और डिफेंडर तो ये सारे वर्ड्स को यूज किया जाता है इन द गेम ऑफ फुटबॉल ओके बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखिये पद्मश्री पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी गुरु केलूचरण महापात्रा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिवाइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस तो देखिए पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो यहाँ पर केलुचरण महापात्रा ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है उड़ीसी डांस को पुनर्जीवित करने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में केलुचरण महापात्रा पद्मश्री इन्हें 1974 में साथ में पद्मभूषण 1988 में और उसके बाद सा संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इन्हें नाइनटीन में दी गई है पद्म विभूषण टू में और कालिदास सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इन्हें ये दी गई है तो ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम केलुचरण महापात्रा तो आपको ये सारे ही यहाँ पर याद रखने हैं बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हु अमंग द फॉलोइंग रोड आनंद मठ फ्रॉम वेयर इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरन हैज़ बीन टेकन तो देखिए निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा था जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है तो आपको बताना है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है तो आनंद मठ को लिखा गया है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स जो आनंद मठ है जो लिखी गई है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी इस आनंद मठ से ही लिया गया था वंदे मातरम को ओके बात करेंगे इसके बारे में देखिए तो वंदे मातरम को पहली बार कहाँ पे गाया गया था ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो आप इसको टिक कर लेंगे कैलकाटा कांग्रेस मीटिंग जो थी 1896 की यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था इसके साथ साथ इट वाज अडॉप्टेड बाय अवार्डिंग इट्स इक्वल स्टेटस विद द नेशनल एंथम जनगन मन ऑन जनवरी 24 1950 तो नेशनल एंथम के समान इसको दर्जा दिया गया था जनवरी 4 24 1950 को तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर वॉज कॉल्ड अब्बा जी निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी नाम से कहा जाता था तो देखिए अब्बा जी नाम दिया गया था इनमें से अल्लाह रखा खान को ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका एक करेक्ट आंसर है काफ़ी ही फेमस एक तबला प्लेयर है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अल्लाह रखा खान इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट तो ये है तबला प्लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुद्ध निवेश प्लस मूल्यहास निम्नलिखित में से किसका अनुमान देता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है ये इक्वल होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन की राइट तो ये फॉर्मूला है तो जहां पर भी आपको ऐसे ग्रॉस नेट दिखे तो नेट इक्वल टू जो भी ग्रॉस होगा जैसे अगर नेट इन्वेस्टमेंट है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रेशिएशन हो गया ठीक है तो आपसे क्या पूछ रहा है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रेसिएशन तो अगर ये इधर आ जाता है तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रेसिएशन हो जाएगा तो उधर क्या बचेगा इधर बचेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओके आई होप आपको ये क्लियर है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वॉज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है तो देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बात करते हैं नीति आयोग के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये थिंक टैंक होती है गवर्नमेंट की ओके okay? तो बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट की तो इसको स्टैब्लिश किया गया है जनवरी 2015 को तो जैसे अभी हमने पढ़ा था फाइव ईयर प्लान तो फाइव ईयर प्लान को हटा करके यहाँ पर फॉर्म किया गया था नीति आयोग को तो जो फाइव ईयर प्लान थे वो दी जाती थी बाई प्लानिंग कमीशन ठीक है तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके यहाँ पर नीति आयोग को फॉर्म किया गया था इसका हेडकोार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे पीएम होते हैं वही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पे नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, थाउजेंड इलेवन विथ स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू महा जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है तो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट हिंदू पॉपुलेशन जो है ये प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तो देखिए, विच ऑफ़ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज रिसीव्ड बाई पंडित बिरजू महाराज इन 1986? तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज को 1986 में दिया गया था पद्म विभूषण तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है देखिए इनके देख लेते हैं बारे में इनको ब्रिजमोहन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है और ये बिलोंग करते हैं लखनऊ घराना ऑफ कत्थक से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाज़ा गया है नाइनटीन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वन वॉज़ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च इन इंडिया भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था तो स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015, एम्ड एट प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दियर सिटीजन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस, तो इसका जो बढ़ावा है ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, क्लीन और कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ है ओके अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन द वर्ल्ड पूछा जा रहा है ठीक है देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो फादर ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड जो है ये कहा जाता है नॉर्मन बॉरलॉग को तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपका देखिए बात करें हमने जैसे आपको बताया कि फ़ादर ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की बात की जाए तो ये हो जाएंगे नॉर्मन बॉर्ग बट अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ादर ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तो ये हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन तो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर आप याद रखें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सिंहराज आधना या फिर अधाना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स तो सिंहराज अधाना निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से जुड़े हैं तो फ्रेंड्स ये जुड़े हैं शूटिंग से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ स्टेट इज ऑल्सो नोन एज मोलेसिस बेसिन विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट unconsolidated डिपॉजिट तो किस राज्य को मुलेसेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो नरम असंगठित निस्पेशों से बना है तो मुलेसेस बेसिन के नाम से यहां पर जाना जाता है मिजोरम को ओके तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाई गई है या फिर स्टैब्लिश की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आर तो आर का स्टैब्लिशमेंट हिल्टन यंग कमीशन से हुआ था बात कर लेते हैं यहाँ पर आर की तो देखिए इसके बारे में देख लीजिए एक बार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन नाइनटीन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन तो रिज़र्व बैंक क्या है ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है तो आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर से इसे स्टैटरी स्टेटस दिया गया है ओके इसके साथ बात करें हम इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में ओके तो फ्रेंड्स ये हो गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर बी आई आई होप आपको ये क्लियर है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे ऑलरेडी मैंने बताया है आपको बट फिर से हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में तो आपको मतलब प्रॉपर हम यहाँ पर रिविज़न कराएंगे हर एक क्वेश्चन का रिलेटेड टू जी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ which of the states लोकरंग, तो देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑर्गेनाइज ल लोक रंग अ फाइव डे फेस्टिवल बिगनिंग एवरी ईयर ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल छब्बीस जनवरी से शुरू होने वाले पाँच दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन करता है तो यहाँ पर लोक रंग मनाया जाता है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ अ फाइलम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉइंट्स लेक्स एंड स्वैम्स प्रोवाइड सीटे और पैरापोडिया फॉर लोको मोशन तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी में तालाबों झीलों और दलदरों में पाए जाने वाले जानवरों का एक समूह है जो गति के लिए सेटे या पेरीपोडिया प्रदान करता है तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम में काफ़ी देखे जा रहे हैं तो ये बायोलॉजी का काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम ठीक है तो एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम्स में देखे जा रहे हैं तो बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा एनालीडा तो एनालिडा होते हैं जिनके पास क्या होता है इनके पास पैरोपोडिया होता है ताकि वो चल सकें तो बात करें अगर मैं आपको एनालीडा का एग्जांपल दूं तो अर्थ फॉर्म एक एनालिड है ठीक है तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ना प्लाटी हेलमेंथिस टेनोफेरा पोरीफेरा और एनेलेडा तो ये क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की ऑन डिफरेंट क्लास फीचर्स ठीक है तो जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर के हिसाब से इन्हें कैटेगराइज़ किया जाता है अंडर दिस तो इसके सारे हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे आपको बस इस पूरे जी के सीरीज़ को फॉलो करना है हम आपको हर एक क्वेश्चन इनमें से कवर करवाएंगे राइट तो अगर मैं आपको बताऊँगी आप प्लाटी हेलमेंथिस के एग्जाम्पल है टेप वाम्स तो जो टेप वाम्स होते हैं वो प्लेटी हेलमेंथस से होते हैं ओके तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है तो इसकी जो कैपिटल है ये है वैशाली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर ये यह पिक्चर है जहाँ पर आप देख रहे हैं ये वज्जी है तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल सिक्सटीन महाजनपद थे हमारे पास तो उन सबको यहाँ पर मैप में शो किया गया है अब बात करते हैं इन सब के यहाँ पर कैपिटल्स की तो देखिए अंगा मगध काशी वत्सा कोसला सौरासेना सेना पंचाला कुरू मत्स्य चेड़ी अवंती गंधार कंबोज अस्माका वज्जी और मल्ला तो ये टोटल सिक्सटीन महाजनपद हैं और इनके यहाँ पर ये कैपिटल्स दिए हुए हैं तो आपको ये सारा याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है बट अगर बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तो देखिए मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताती हूँ अंगा मगध पदसा काशी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बाद अगर देखा जाए तो अवंती भी पूछा जाता है इसके साथ साथ गांधार और वज्जी तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है अस्माका का भी आप टिक कर सकते हैं तो ये सब आपको डेफिनेटली अच्छे से याद रखना है ओके नेक्स्ट देखिए इन विच ईयर वाज फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड तो ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था तो फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स को हेल्ड किया गया था इन द ईयर 1924 तो ये कहाँ पे हुआ था तो इसको चामिनिक्स फ्रांस में करवाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर ये स्लोगन था टू सेंसस का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बात कर लेते हैं इसके बारे में तो देखिए देख आपने जैसे पढ़ा स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर और इस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे ये थे सी चंद्र पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ बाई सर्टन फिजिकल और केमिकल एजेंसीज ऑफ एटमोसफियर इज नोन एज तो वायुमंडल की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा पृथ्वी की परत की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अवघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बस आपसे पूछा जा रहा है कि रॉक्स के जो ब्रेकडाउन होते है, जो हैं यानी कि रॉक्स जो पिघलते हैं फिर डिजॉल्व होते हैं अर्थ के सरफेस पे उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है वेदरिंग ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेम द कैपिटल ऑफ पल्लावाज़ तो पल्लवों की राजधानी क्या थी तो यहाँ पर पल्लवों की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कंची या फिर कंचीपुरम भी आप कह सकते हैं कंचीपुरम थी कैपिटल ऑफ पल्लवाज इसके साथ देखते हैं पल्लवा के यहाँ पर फाउंडर कौन रहे हैं तो फाउंडर ऑफ पल्लवा रहे हैं सिम्हा विष्णु ठीक है तो सिम्हा विष्णु ने फॉर्म किया है पल्लवा डायनेस्टी को इसके साथ यहाँ पे लास्ट रूलर कौन है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो लास्ट रूलर यहाँ पे रहे हैं अप्रजित वर्मन अप्रजिता वर्मन ओके तो इन दोनों को यहाँ पर आपको याद रखना है बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया तो ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा हर्षवर्धन को हराया गया था बाई पुलोकेशन टू फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रिलेटेड विथ तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम रिलेटेड है टू प्रमोशन ऑफ एंट्रप्रनोरशिप अमॉन्ग एस सी एस टी एंड वुमेन तो एस सी एस टी और वुमेन्स जो हैं इनके लिए यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया है अगला क्वेश्चन है वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो तो नाटो का पूर्ण रूप क्या है तो फ्रेंड्स नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात करते हैं नाटो के बारे में देख लीजिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है इसको इस्टेब्लिश किया गया है फोर्थ अप्रैल नाइनटीन को और देखिए पहले इसमें तीस कंट्रीज़ थी बट हाल ही में फिनलैंड को भी इसमें जोड़ा गया है तो टोटल अभी यहाँ पे थर्टी वन देश शामिल हैं इसके साथ साथ इसका हेडकोार्टर ब्रूजल्स बेल्जियम में है और नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है जेंस स्टॉल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं अगला क्वेश्चन विच ऑफ दीज कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यू तो यूनाइटेड नेशन जो है इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है तो इनमें से यू का कंट्री जो यहाँ पर मेंबर नहीं है वो है होली सी जो कि वाटिकन सिटी है और उसके साथ पैलेस्टीन तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को मनाया जाता है ऑन सेकेंड अप्रैल तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बात करें इसकी थीम की 2023 में तो थीम इन 2023 दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन टू अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल तो ये इसका थीम है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द बुक क्रिकेट माई स्टाइल हैज़ बीन रिटन बाई तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इस बुक को लिखा गया है बाई कपिल देव तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तो अगेन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है देखिए पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है तो आपको बताना है कि जाइलम प्लांट्स में करता क्या है तो जाइलम प्लांट में करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ठीक है तो पानी को पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचाने का काम जाइलम का होता है और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं उसको पूरे प्लांट में पहुँचाने का काम होता है फ्लोएम का दोनों याद रखिएगा जाइलम वाटर के लिए होता है फ्लोएम मिनरल्स के लिए होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू तो नीली क्रांति का संबंध किससे है तो ब्लू रेवोल्यूशन किया गया था फॉर फिशरीज या फिर आप कह सकते हैं एक्वा कल्चर के लिए राइट right. तो एक्वा कल्चर के लिए यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन किया गया था बात करते हैं इसके बारे में देखिए द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन रिफर्स टू द एमरजेंस ऑफ एक्वा कल्चर एक्वाकल्चर इज द कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट तो आई होप आपको आपको ये क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंस इज़ तो चमकदार उत्सर्जन की ऐसाई इकाई क्या है तो ल्यूमिनस एमिटेंस की यहाँ पर ऐसाई यूनिट होती है लक्स देखिए फ्रेंड्स एक और होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओके तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है वो होता है कंडेला तो दोनों अलग चीज़ है ल्यूमिनस एमिटेंस का हो गया लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाता है ये होता है कंडेला तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बात करिए अगले क्वेश्चन की तो देखिए द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज बाई तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया गया था बाई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका और ये कहाँ पे करवाया गया था इसे पाटलिपुत्र में करवाया गया था राइट right? तो पाटलिपुत्र में इसे करवाया गया था कनिष्का के टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था ये कश्मीर के कुंडलवाना में हुआ था ठीक है तो कश्मीर आप लिख लीजिए कश्मीर में फोर्थ बुद्ध काउंसिल को करवाया गया था अंडर द पैटर्नेज ऑफ कनिष्का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाहजहाँ बिल्ट द मोती मस्जिद एड तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाई है तो मोती मस्जिद शाहजहाँ द्वारा आगरा में बनवाया गया है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स एक और मोती मस्जिद है जो कि रेड फोर्ट में है है ना और इसको बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा तो एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि शाहजहाँ ने बनवाया है वो कहाँ पर है और अगर औरंगजेब वाला है तो इनका ही नाम यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है एक यहाँ पर आगरा में है और एक दिल्ली में है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लक्ष्य बक्श वॉज अ टाइटल गिवन टू द रूलर तो लक्ष्य बख्श किस शासक को दिया जाने वाला एक उपाधि थी तो लक्ष्य बख्श नाम दिया गया था इनमें से कुतुबुद्दीन ए को तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो उससे पहले देख लेते हैं कुतुबुद्दीन एबक के बारे में तो बिकॉज ऑफ़ इस लार्ज सम्स ऑफ डोनेशन टू चैरिटीज़ अर्न द टाइटल ऑफ़ लक्ष बख्श और गिवर ऑफ लैक्स तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस करते थे इन्हें लक्ष बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन एबक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड वॉज द फ़ाउंडर ऑफ़ स्लेव डायनेस्टी तो स्लेव डायनेस्टी के फ़ाउंडर थे कौन कुतुबुद्दीन एबग राइट right. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस बिटवीन तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था तो तराइन का बैटल हुआ था बिटवीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तो फ्रेंड्स पहले बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी इसके बाद अगेन इन 1192 तो देखिए ये जो फ़र्स्ट वाला है ये 1191 में हुआ था अगेन 1192 में फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था जहां पर मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पी की वेबसाइट है उसका नाम है डब्लू 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 डॉट रवि बुक्स पी राइट तो ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जी के और, और करंट अफ़ेयर्स की पी डी बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी तो यहाँ से जा कर के आप इसे बाय कर सकते हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारे वेबसाइट को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टॉम ऑफ़ जहांगीर वॉज बिल्ट एट तो जहांगीर का मकबर, मकबरा कहाँ बनाया गया था तो जहांगीर का टॉम को बनाया गया है लाहौर में तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है यहाँ पर है टॉम ऑफ जहांगीर देखिए इट इज़ लोकेटेड एट ऐट बाग नियर सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रावी रिवर तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली जो तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली थे कुतुबुद्दीन एबक तो जैसे अभी हमने उनके बारे में बात की है ना तो लक्ष्य बख्श इन्हें कहा जाता था और ये थे पहले मुस्लिम रूलर विच ऑफ़ द फॉलोइंग फोक डांस इज़ एसोसिएटेड विद जम्मू कश्मीर तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है तो फोक डांस जो एसोसिएटेड है जम्मू कश्मीर से वो है रॉफ़ तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन जय हिंद तो जय हिंद का नारा किसने दिया था तो देखिए फ्रेंड्स जो जय हिंद का नारा है इसे पॉपुलराइज किया है सुभाष चंद्र बोस ने बात करेंगे इसे एक्चुअल में किसने दिया था देख लीजिए टर्म जय हिंद वॉज़ इनिशियली कॉइंड बाई शेन बागर रमन पिल्लाई इन नाइनटीन हंड्रेड सेवन टू रेज द जोश इन यूथ तो इनके द्वारा यहाँ पर यह दिया गया था बट दिस स्लोगन वॉज लेटर अडॉप्टेड बाई सुभाष चंद्र बोस व इज़ ऑल्सो नोन एज नेताजी तो इनके द्वारा ये अडॉप्ट करा गया था और इन्होंने ही पॉपुलराइज़ किया था इस स्लोगन को ओके okay? फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है हु इज़ रिफ़र्ड टू एज़ फ्रॉन्टियर गांधी तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था तो फ्रॉन्टियर गांधी यहाँ पर कहा जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को और फ्रेंड्स इन्हें बच्चा खान भी कहा जाता था तो इनका एक और नाम है बच्चा खान और ये फाउंडर रहे हैं खादी खदमत मूवमेंट के ओके okay? जो हुई थी कब 1929 में तो 1929 के खादी खदमतगार मूवमेंट के फाउंडर थे खान अब्दुल गफ़ार खान नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस ऑफ स्टार इज़ मेजर्ड इन तो तारों की दूरियाँ किससे मापी जाती है तो देखिए फ्रेंड्स जो तारों की दूरियाँ हैं इसको नापी जाती है बाई लाइट ईयर नेक्स्ट है विच इज़ यूज एज द एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर तो वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स अगेन ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए एयर पॉल्यूशन इंडिकेट करता है एक लाइकन होता है ये ठीक है तो लाइकन जो होता है ये एल्गे और फंगई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसे हम लाइकन कहते हैं और ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेट करता है ओके तो जहाँ पर भी ये पेड़ के ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है ठीक है अगर ये पेड़ है तो उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होगी उसको जब आप टेस्ट करें तो उससे पता चलता है यहाँ पॉल्यूशन है या नहीं है इससे पता लगाया जा सकता है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू तो ए एल यू का पूर्ण रूप क्या है तो ए एल यू का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है और फ्रेंड्स ये सी पी यू का एक पार्ट होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज सिचुएटेड इन तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो ये लोकेटेड है कलपाकम चेन्नई में ठीक है तो चेन्नई के कलापाकम में लोकेटेड है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द फर्स्ट इंडियन नोबल प्राइज़ विनर तो प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता कौन है तो पहले इंडियन नोबल प्राइज़ विनर है रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तो देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर तो विंग्स ऑफ़ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं तो विंग्स ऑफ फायर बुक को लिखा गया है बाई ए पी जे अब्दुल कलाम तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है तो देखिए जो इनपा लेग्सो इज अ वेलकम डांस ऑफ तो जोइनपा लेग्सो किस का स्वागत नृत्य है तो किस देश का ये वेलकम डांस होता है तो ये है वेलकम डांस ऑफ भूटान तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के तो हमने आपके लिए यहाँ पर टॉप फिफ्टी जी के क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस पार्ट्स को भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि हमने वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कवर किया है तो आते हैं आपके टेस्ट की तरफ तो जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है तो देखिए द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम कोर इज़ तो पृथ्वी की वह परत जो भूपर्टी को कोर से अलग करती है वह क्या होती है ऑप्शंस हैं आंसर कमेंट में बताइएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है हु इज़ द ऑथर ऑफ़ द बुक विंग्स ऑफ फायर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और जैसे मैंने आपको बताया हमारी पेड पी की वेबसाइट है डब्ल्यू तो यहाँ से आप जाकर के नोट्स को पी को करंट अफेयर्स और जी की पी को खरीद सकते हैं तो so, ये है फ्रेंड्स आपका लास्ट स्लाइड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में टिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे